अब मम्मी बनाने जा रही हैं व्रत वाली नमकीन। तो इसके लिए लिए हैं मम्मी ने बादाम, काजू, मूंगफली दाने, मखाना और ये साबूदाना। और ये हैं आलू के चिप्स। अगर आपके पास आलू के लच्छे हों तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो चिप्स को फ्राई करके उनको तोड़ कर डाल दें। और ये लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर और व्रत वाला नमक। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं व्रत वाले नमकीन बनाने में। और मम्मी ने लिया है रिफाइंड ऑयल जो है मूंगफली वाला। तो अब कढ़ाई अभी चढ़ा दी, इसमें ऑयल डाल दिया, अभी गैस ऑन करके फिर जब गर्म हो जाएगा ऑयल तो इसमें सारी चीज़ें एक एक करके इनको फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में ऑयल डाला था, ऑयल हो चुका है गर्म। तो मम्मी सबसे पहले भून रही हैं अच्छे आलू वाले, और इधर न्यूज़पेपर बिछाए हुए हैं उन पर डाल दी जाएंगी कि इनका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो तो ये सारा न्यूज़पेपर में सोख लेगा। ये इसी तरह से सारी चीज़ें एक एक करके सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और डाला है मम्मी ने साबूदाना, ये है मोटा मोटा बड़ा बड़ा आता है नमकीन बनाने के लिए। तो यूज़ करते हैं तो इस तरह से रखो फूल गया है। साबूदाना हो चुका है पूरा फ्राई, चिप्स भी हो गए हैं। अब बाकी जो बची हुई चीज़ें मूँगफली दाना, काजू, बादाम और मखाना, उनको एक साथ मम्मी फ्राई कर लेंगे। बस फ्राई होने के बाद जब ये निकाल लेंगे पेपर पे, फिर जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसमें व्रत वाला नमक और काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर देंगे। इसमें डालेंगे मम्मी नमक और काली मिर्ची का पाउडर, और बस अब इनको सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारी व्रत वाली नमकीन बनके है तैयार।